नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट टू की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हमने हाल ही में गोल्ड के ऊपर दो वीडियोस करे थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। उनमें आपको ध्यान होगा, हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल गोल्ड अगर हम ज्वेलरी की फॉर्म में खरीदते हैं तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं, और इस वजह से उसे हमें इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हम कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं। और ये क्या रीजंस होते हैं? पहला तो वहां पे हमारा डिजाइन एंड मेकिंग चार्जेस लग जाते हैं, तो 15-20% का तो हमारा वहीं पे लॉस हो जाता है। दूसरा, वहां पे स्टोरेज का प्रॉब्लम आता है, वहां पे आपका रिस्क होता है एक तो स्टोरेज का, अगर आप उसे घर में रखते हैं, अदरवाइज उसकी कॉस्ट लेनी पड़ती है। तीसरा प्रॉब्लम आता है इंप्योरिटीज का, अगर आप किसी ज्वेलर से खरीद रहे हैं, किसी डीलर से खरीद रहे हैं, तो आपको नहीं आइडिया है कि वहां पे कितनी मिलावट हो सकती है। और चौथा, इनकम का प्रॉब्लम आता है, वहां पे कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं है, कोई रेंटल इनकम नहीं है। तो ऐसे में गोल्ड ज्वेलरी के क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? तो ऐसे ही हम पांच ऑल्टरनेटिव्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पहला, फिजिकल गोल्ड एज इन्वेस्टमेंट। दूसरा, डिजिटल गोल्ड। तीसरा, गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की हम बात करेंगे। चौथा, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। और पांचवा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो RBI इशू करता है। अब इनमें से हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के कोई ना कोई प्रोज हैं, कोई ना कोई कॉन्स हैं, और कोई ना कोई इसका यूज केस बैठता है। तो हम देखेंगे कि किस इवेंट के अंदर कौन सा इन्वेस्टमेंट सही रहेगा। साथ में हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्लियर विनर आता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमारे पास पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आ जाता है फिजिकल गोल्ड का। अब यहां पे हम ज्वेलरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गोल्ड बुलियन एंड कॉइन्स की। अगर आप बुलियन यानी कि बिस्किट्स में या ब्रिक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हमारा इंप्योरिटीज का प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वहां पे आप 24 कैरेट गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, डिजाइन एंड मेकिंग चार्जेस का भी प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन डेफिनेटली स्टोरेज का प्रॉब्लम यहां पे भी आता है। या तो घर पे रखते हैं तो रिस्क बना रहता है, अदरवाइज लॉकर में रखते हैं तो उसकी कॉस्ट आ जाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आजकल दूसरा ऑप्शन आ गया है डिजिटल गोल्ड का। आपने देखा होगा काफी सारी एप्स के अंदर ये ऑप्शन आ गया है, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, फ्री चार्ज, कुवेरा, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, इवन नेशनल स्पॉट एक्सचेंज से भी आप ई गोल्ड खरीद सकते हैं। सो ये डिजिटल गोल्ड काम कैसे करता है? आप इनके अंदर ₹1 से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जितना भी आपने इन्वेस्ट किया, यानी कि इनके पास जितना भी कलेक्शन हो गया, लेट्स से 50 किलो इनको सोना खरीदना है, तो ये जाके तीन कंपनीज से खरीद लेते हैं। तीन कंपनीज कौन सी हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर? पहली है MMTC PAMP। MMTC एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और PAMP एक स्विस कंपनी है, इनका एक जॉइंट वेंचर है। दूसरी कंपनी है सेफ गोल्ड और तीसरी कंपनी है ऑगमॉन्ट, और ये कंपनीज रिफाइनिंग एंड मिंटिंग कंपनीज हैं। तो ये गोल्ड को अपने पास स्टोर करती हैं अपनी सिक्योर्ड वॉल्ट्स के अंदर। और यहाँ पे आप डिजिटल गोल्ड को जब चाहे जितना मर्जी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, तो लिक्विडिटी काफी हाई रहती है। और अगर आप चाहें इसकी डिलीवरी लेना तो आप डिलीवरी भी ले सकते हैं, और उस डिलीवरी के लिए लेकिन आपको मिनिमम 0.5 से लेके 1 ग्राम तक की मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी होती है। और यहाँ पे आप कितना मैक्सिमम टाइम तक इन्वेस्ट कर सकते हैं? 5 से 7 साल तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, MMTC आपको ऑप्शन देता है 5 ईयर्स का, उसके बाद आपको या तो डिलीवरी लेनी होती है गोल्ड की, या फिर आपको उसको बेचना होता है उस टाइम के करंट प्राइस पे। और यहाँ पे आपको या तो स्टोरेज चार्जेस बिल्कुल नहीं लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल MMTC के अंदर तो कोई स्टोरेज चार्जेस नहीं है, या फिर बहुत ही मिनिमम लगते हैं। जैसे कि सेफ गोल्ड के अंदर अगर आपका 2 ग्राम से कम का इन्वेस्टमेंट है तो 2 साल के बाद 0.05% लगता है। और यहाँ पे आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं ये भी आप जरूर चेक कर लीजिए हर ऐप के अंदर क्या क्या आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेटीएम और गूगल पे के अंदर 50,000 तक तो आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर आपकी KYC लगती है। और अगर आप स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू करते हैं तो वहां पे आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज हो जाती है, और वहां पे आपको KYC कराना शुरू से ही जरूरी होता है। तो चलिए पहले हम गोल्ड ETF की बात कर लेते हैं। पहले तो हम ETF समझ लेते हैं क्या होता है। ETF होता है हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे म्यूचुअल फंड ऑपरेट करते हैं, ये भी एक्जैक्टली वैसे ही ऑपरेट करता है। पब्लिक से पैसा कलेक्ट करता है, इंस्टीट्यूशन से करता है, कंपनीज से करता है, और उस पैसे को सिक्योरिटीज के अंदर डालता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी का कोई ETF है तो वो निफ्टी की जितनी भी कंपनीज हैं उनके अंदर उसी वेटेजेस के हिसाब से पैसा डाल देगा। सिमिलरली, अगर कोई डेट ETF है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर पैसा डाल देगा। सिमिलरली, गोल्ड के ETF होते हैं जो गोल्ड के इंडेक्स को फॉलो करते हैं और गोल्ड के अंदर पैसा डालते हैं। और यहाँ पे गोल्ड का ETF या तो गोल्ड के अंदर डायरेक्टली भी पैसा डाल सकता है, कुछ पोर्शन वो गोल्ड की माइनिंग एंड रिफाइनिंग कंपनीज के अंदर भी डाल सकता है। और साथ के साथ गोल्ड ETF जनरली कुछ पैसा 0-10% डेट सिक्योरिटीज में भी रखते हैं लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। अब चौथा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है गोल्ड म्यूचुअल फंड का।
अब जैसे ETF के अंदर आपको अगर निवेश करना है तो उसके लिए चाहिए होता है आपको डीमैट अकाउंट, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड का ऑप्शन ले सकते हैं। सो गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या करता है, ये अलग अलग ETF के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो ये आप फंड ऑफ फंड्स कह सकते हैं इसको। लेकिन अगर आप गोल्ड ETF के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाती है, और वो कैसे होती है वो भी अभी हम जल्दी ही देखेंगे। अब यहां पे हमारे पास पांचवा ऑप्शन आ जाता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का। इन बॉन्ड्स को RBI इशू करता है और यहां पे काफी सिक्योर्ड भी होते हैं ये, और साथ में ये एक्सचेंज पे ट्रेड भी किए जा सकते हैं। सो हमने ये पांच इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स ब्रॉडली तो समझ लिए। अब जैसा हमने पहले कहा, हर किसी का कोई ना कोई फायदा है, कोई ना कोई नुकसान है, तो एक बार हम इनका डिटेल्ड कंपैरिजन देखते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम रिटर्न्स ओवरऑल कंपेयर करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी कॉम्पोनेंट हो जाता है यहाँ पे कि कॉस्ट कितनी कितनी आ रही है। कुछ कुछ केसेस में कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, उस वजह से हमारे रिटर्न्स ओवरऑल कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉस्ट पे ही ज्यादातर हमारे रिटर्न्स डिपेंड करेंगे, क्योंकि अदरवाइज तो सारे ही गोल्ड के प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम क्विकली एक बार कॉस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल गोल्ड की बात करें तो हमें 3% का GST पे करना पड़ जाता है। डिजिटल गोल्ड के अंदर भी आपको 3% का GST पे करना पड़ता है। ETF म्यूचुअल फंड और गोल्ड बॉन्ड के केस में कोई GST नहीं लगता है। स्टोरेज ट्रांजैक्शन और डिलीवरी की बात करें तो फिजिकल गोल्ड के फॉर्म में नहीं लगती है। डिजिटल गोल्ड में जब आप इसको बेचने जाते हैं तो पहले तो अगर आप इसे कॉइन्स में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके मेकिंग चार्जेस लगेंगे, उसके अलावा स्टोरेज या फिर ट्रांजैक्शन चार्ज लग सकते हैं, और साथ में डिलीवरी अगर वो करेंगे तो उसके भी कुछ चार्ज लग सकते हैं। तो ये हम पकड़ सकते हैं 2-3% के। गोल्ड ETF म्यूचुअल फंड और गोल्ड बॉन्ड के केस में ये कोई चार्ज नहीं लगता है। एक्सपेंस रेशो की अगर हम बात करें तो फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में तो कोई एक्सपेंस रेशो का मतलब नहीं होता है, लेकिन ETF के अंदर क्योंकि अब उस फंड को कोई ना कोई मैनेज करेगा, वहां पे मैनेजमेंट फीस लगती है, वो 0.5 से लेके 1% तक होती है ETF के अंदर। 1% से ऊपर नहीं जा सकते हैं जनरली। और गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहां पे 0.5 से लेके 1.5% तक के मैनेजमेंट फीस लग सकती है, पर यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये ETF के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहां पे आपकी फीस दो बार लग रही है। म्यूचुअल फंड अपनी फीस ले रहा है 1.5% की, और साथ में ETF की भी 0.5 से लेके 1% तक की फीस एडिशनल लग रही है, तो लगभग यहां पे आप एवरेज पकड़ सकते हैं 2% की फीस लग रही है। गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो यहां पे ये भी कोई फीस नहीं लगती है। एग्जिट लोड का जो केस है वो खाली म्यूचुअल फंड के अंदर ही आता है, तो यहां पे अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं म्यूचुअल फंड से पैसा तो 1-2% का एग्जिट लोड एक्स्ट्रा लग सकता है। गोल्ड बॉन्ड के अंदर ये एग्जिट लोड भी कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं ब्रोकरेज या किसी भी तरीके के कोई कमीशन चार्जेस, DP चार्जेस, STT एक्सेट्रा। अगर हमें कोई डीमैट वाले फॉर्म में खरीदना है कोई चीज तो उस केस में हमारे इस तरीके के छोटे मोटे चार्जेस लग सकते हैं। सो ये फिजिकल गोल्ड डिजिटल गोल्ड के में तो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, लेकिन ETF जब आप खरीदते हैं सो जीरोधा, अपस्टॉक्स, इस तरीके के अगर आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ खरीदते हैं तो वहां पे आपके ब्रोकरेज चार्जेस तो कोई नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ ये छोटे मोटे गवर्नमेंट के चार्जेस जरूर लग जाते हैं, जैसे कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या फिर DP चार्जेस लग सकते हैं, बट वो काफी नेग्लिजिबल होते हैं। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो वहां पे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। आजकल काफी सारी ऐप्स आ गई हैं, उनकी अभी हम जल्दी ही बात करेंगे, वहां पे कोई चार्जेस आपको नहीं लगते हैं, किसी तरीके का कोई कमीशन नहीं देना पड़ता है। और अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो उसके अंदर भी कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, अगर आप जीरोधा स्टॉक्स के थ्रू, मतलब इस तरीके के डिस्काउंट ब्रोकर्स के थ्रू अगर आप खरीदते हैं। सो अब हम अगर यहाँ पे रिटर्न्स कंपेयर करना चाहें तो हम कैसे करें, देखिए पहले तो मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया है कि लेट से 8% के हमें पर एनम रिटर्न्स मिलते हैं। मैंने ओवरऑल ऐसी सिंपल रिटर्न्स कैलकुलेट कर लिए हैं, लेट से 5 साल में ओवरऑल 40% का गोल्ड का प्राइस ऊपर चला गया, तो मैंने रफली एज्यूम कर लिया है कि 40-40% हमारे को सारे केसेस में एक गोल्ड के रिटर्न्स मिल रहे हैं। अब हमें इसमें से कॉस्ट्स माइनस करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज ऐड करनी पड़ेगी जो बेसिकली एक काफी यूनिक बना देता है इस प्रोडक्ट को। 2.5-3% का इंटरेस्ट मिलता है पर एनम का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर, जो आपको RBI देता है, तो ये भी हमें अपने रिटर्न्स में ऐड करना होगा। और ये एक्चुअली 2.5% नहीं होगा, ये 2.5% × 5 होगा। सो अब हमारे इफेक्टिव रिटर्न्स यहां पे कितने बने, फिजिकल गोल्ड के केस में हमें ये 3% का GST माइनस करना पड़ेगा तो 37% बने। डिजिटल गोल्ड में हमारे को यहाँ पे लेट से 3% का GST हो गया और मैंने 2% का ये स्टोरेज ट्रांजैक्शन एंड डिलीवरी माइनस कर दिया तो 35% के रिटर्न्स बन गए। ETF के अंदर हमें ये 1% अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं हर साल लग रहा है चार्ज, तो 40 में से हमने 5 साल का 5% माइनस कर दिया तो हमारे इफेक्टिव रिटर्न्स 35% बन गए। और गोल्ड म्यूचुअल फंड के केस में देखिए यहाँ पे रिटर्न्स आपके काफी कम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1% म्यूचुअल फंड का जा रहा है, 1% ETF का जा रहा है, तो 2% हर साल का हो गया, 5 साल का आपका 10% हो गया, तो 40 में से 10 गए, आपके इफेक्टिव रिटर्न्स यहाँ पे 30% के ही बचते हैं।
अब गोल्ड बॉन्ड का केस देखते हैं। यहां पे देखिए कॉस्ट किसी भी तरीके की कोई नहीं है, साथ में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ये 12.5% का। सो 40 प्लस 12.5 ये 42.5 नहीं बनेगा, ये एक्चुअली 52.5% के आपके यहां पे रिटर्न्स बन जाएंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं क्लियरली एक विनर तो निकल के आ रहा है अगर हम खाली रिटर्न्स की बात करें तो, और वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का। लेकिन हर किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का जैसे हमने पहले बात करी कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो हम बाकी के फैक्टर्स भी देख लेते हैं कि ये कैसे कंपेयर होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम SIP की बात करेंगे, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है फिजिकल गोल्ड में, तो आपको जब खरीदना है आप उतना खरीद सकते हैं, तो इस तरीके का कोई ऑप्शन तो नहीं होता है। डिजिटल गोल्ड के केस में आपको ये जितनी भी ऐप्स हैं वहां पे आपको SIP का ऑप्शन भी मिल जाता है कि आप ऑटोमेटिकली हर महीने कुछ ना कुछ पैसा वहां पे डाल सकते हैं। गोल्ड ETF के अंदर भी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको जब भी जितना कोई भी खरीदना है ETF के अंदर इन्वेस्ट करना है या बेचना है तो आपको अपने डीमैट अकाउंट के में जाके जैसे स्टॉक्स खरीदते या बेचते हैं आपको ETF भी वैसे ही खरीदना या बेचना पड़ेगा। और अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा ये करते कैसे हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड अगर आप खरीदते हैं तो वहां पे आपको SIP का डेफिनेटली ऑप्शन मिल जाता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर भी आपको SIP का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको जब भी खरीदना है आपको जाके स्टॉक एक्सचेंज पे या तो खरीदना पड़ेगा या फिर जब RBI का नया इशू आता है तब आपको खरीदना पड़ेगा। लिक्विडिटी की बात करें तो फिजिकल गोल्ड में भी आप आराम से इसको बेच सकते हैं, आई थिंक ज्वेलर के पास जाके या डीलर के पास जाके आप आराम से इसको बेच पाएंगे। डिजिटल गोल्ड की भी हाई होती है लिक्विडिटी क्योंकि यहाँ पे भी आप ऐप के थ्रू आसानी से बेच सकते हैं। गोल्ड ETF की मैंने यहाँ पे मॉडरेट लिखी है क्योंकि कई बार लिक्विडिटी यहाँ थोड़ी बहुत कम हो सकती है। पहली बात तो ETF अभी तक इंडिया के अंदर क्योंकि उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये वेस्टर्न कंट्रीज में काफी पॉपुलर है। हालांकि ETF एज अ प्रोडक्ट काफी अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन शायद इसकी अभी तक अच्छी तरह से मार्केटिंग नहीं हुई है। और ETF के अंदर भी गोल्ड सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है, आप देखेंगे कि गोल्ड के सबसे ज्यादा ETFs अवेलेबल हैं। और अभी हम देखेंगे भी कौन कौन से ETFs हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप काफी आसानी से बेच सकते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड एक इंटरमीडिएट आ जाता है और वो कुछ ना कुछ अपने पास भी लिक्विडिटी मेंटेन करता है तो वो आपको कभी भी कैश दे सकता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे भी मॉडरेट कहेंगे हम लिक्विडिटी क्योंकि यहाँ पे भी अभी तक गोल्ड बॉन्ड के अंदर ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम उतना हाई नहीं होता है, लेकिन मैंने जब भी ट्रांजैक्ट किया है मैं काफी आसानी से खरीद या बेच पाया हूँ इवन सेकेंडरी मार्केट में भी। सो ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी बहुत लो है ETF और गोल्ड बॉन्ड के केस में, बट मैं इसे बहुत हाई भी नहीं कहूंगा जैसे बाकी ऑप्शंस में है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और फैक्टर आ जाता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट का। तो जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदने जाते हैं तो आप कम से कम भी आधा एक ग्राम तो जरूर खरीदते हैं, उससे कम का तो आपका आराम से कोई कॉइन भी नहीं बन पाता है। तो अगर हम यहाँ पे क्योंकि इन्वेस्टमेंट की ही बात कर रहे हैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रहे हैं तो हम 0.5 to 1 ग्राम की एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट पकड़ लेते हैं। डिजिटल गोल्ड में तो आप 1 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे तो कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है। ETF की अगर हम बात करें तो आपको मिनिमम 1 ग्राम, यहाँ पे मिनिमम जो यूनिट होती है वो 1 ग्राम की होती है। तो अगर आज की डेट में 4800 रुपए का या 4900 रुपए का सोना चल रहा है तो लगभग हम लेट्स से 5000 मान लेते हैं, 5000 आपको यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। गोल्ड म्यूचुअल फंड आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं और गोल्ड बॉन्ड के अंदर भी 1 ग्राम का मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब डिलीवरी की अगर हम बात करें तो फिजिकल गोल्ड की आपको डिलीवरी डेफिनेटली लेनी पड़ती है। डिजिटल गोल्ड की अगर आप डिलीवरी लेना चाहते हैं तो मिनिमम 0.5 से लेके 1 ग्राम की आपको डिलीवरी मिलती है। गोल्ड ETF में अगर आप डिलीवरी चाहते हैं तो यहाँ पे तो आपको मिनिमम 1 kg होगा और 1 kg तो काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, गोल्ड बॉन्ड के अंदर भी डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर लोन भी आ जाता है काफी लोगों के लिए, तो फिजिकल गोल्ड को आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे फिजिकल गोल्ड अगर आपके पास कॉइन्स की फॉर्म में है जिसकी जो ग्राम है वो 50 ग्राम से कम है तब आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। ये RBI का एक रेगुलेशन कहता है 50 ग्राम से कॉइन की वैल्यू कम होनी चाहिए। और गोल्ड बुलियन जो ब्रिक की फॉर्म में आता है या फिर बिस्किट्स की फॉर्म में आता है उसके थ्रू आप लोन नहीं ले सकते हैं उसको एज कोलैटरल रख के। सो सिमिलरली डिजिटल गोल्ड के अंदर यही प्रॉब्लम आती है क्योंकि वहां पे सारा गोल्ड जो स्टोर होता है वो बुलियन की फॉर्म में होता है, इसीलिए आप डिजिटल गोल्ड के अगेंस्ट लोन नहीं ले सकते हैं। ETF के अंदर भी आप गोल्ड लोन नहीं ले सकते हैं क्योंकि वहां पे भी बुलियन के फॉर्म में ही स्टोर होता है। म्यूचुअल फंड्स को भी आप गिरवी रख के नहीं रख सकते हैं क्योंकि गोल्ड ETF के अंदर जाके इन्वेस्ट कर रहा है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे यहाँ पे फिर से एक एडवांटेज आ जाता है, RBI ने यहाँ पे क्लियरली बोला है आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को एज कोलैटरल रख के लोन ले सकते हैं। अब इनको हमें खरीदना कैसे है ये भी हम क्विकली देख लेते हैं। फिजिकल गोल्ड तो आप डीलर से या बैंक्स के थ्रू खरीदते हैं, डिजिटल गोल्ड के हमने ये सारे ऑप्शंस देखे ही हैं। और ये 3 कंपनीज की जो हमने बात करी थी MMTC, सेफ गोल्ड और ऑगमॉन्ट, इनके पास ये गोल्ड स्टोर हो जाता है। गोल्ड ETF आपको डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीदना होता है, जीरोधा, अपस्टॉक्स या फिर इस तरीके के आप डिस्काउंट ब्रोकर्स के थ्रू खरीदते हैं तो आपके चार्जेस नेग्लिजिबल लगते हैं। और अगर आप खोलना चाहते हैं इनमें से जीरोधा या अपस्टॉक्स के अंदर अकाउंट तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा।
अब हम गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आजकल बहुत सारी म्यूचुअल फंड की एप्स आ गई हैं जहां पे आपके कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, जैसे कि जीरोधा का कॉइन यूज कर सकते हैं आप, ग्रो है, पेटीएम मनी है, कुवेरा है, तो यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। और अभी हम देख भी लेंगे ये हमें कैसे करना है। गोल्ड बॉन्ड अगर आपको खरीदना है, अगर आरबीआई का जब न्यू इशू आता है तो आप बैंक्स के थ्रू कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू कर सकते हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सेकेंडरी मार्केट में खरीदना चाहते हैं, क्योंकि आरबीआई का इशू तो देखिए साल में 3-4 बार ही निकलता है, लेकिन उसके बीच में आप अगर कभी भी खरीदना चाहते हैं या उसको बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना डीमैट अकाउंट यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको अभी जरूर दिखा देता हूं ईटीएफ में और म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट कैसे करना है। और गोल्ड बॉन्ड तो मैंने जैसे आपको बताया, हमने डिटेल वीडियो किया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम क्विकली देख लेते हैं कि हमें ईटीएफ और म्यूचुअल फंड कैसे खरीदने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ETF खरीदने के लिए हमें डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, तो मैं अभी आपको जीरोधा काइट के अंदर दिखा रहा हूं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप काइट के अंदर लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद आप वॉचलिस्ट में जाके ETF टाइप करिए और ETF आपको ये सारे ही दिखा देगा। हर टाइप के ETF दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, देखिए जैसे कि एक्सिस गोल्ड है, तो गोल्ड के जितने भी ETF हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। आदित्य बिरला का गोल्ड ETF है, और नीचे चलते हैं हम गोल्ड के ETF, गोल्ड बीज है, ये निपॉन इंडिया का गोल्ड शेयर है, UTI गोल्ड का, और नीचे आ जाते हैं अगर हमारे को, और ये ICICI गोल्ड मिल रहा है। तो इनमें से आप किसी भी गोल्ड ETF के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देख सकते हैं, उसकी रेटिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, और अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट किसी ETF का ज्यादा है तो आप ये भी देख सकते हैं कि वहां पे हो सकता है लिक्विडिटी थोड़ी सी ज्यादा हो, उसको आप खरीद बेच आसानी से पाएं, और उसके आप पास रिटर्न्स भी थोड़े से चेक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका किसी और स्टॉक ब्रोकर के साथ भी अकाउंट है तो प्रोसेस एकदम सेम ही है, और जीरोधा और अपस्टॉक्स के लिंक्स तो मैंने आपको नीचे दे दिए हैं, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं भी है तो आप खोल सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है। उसके लिए हमें चाहिए कोई ना कोई म्यूचुअल फंड की ऐप, जैसे मैंने आपको बताया वो सारी ऐप्स ग्रो के अंदर अगर आपका अकाउंट है, जीरोधा कॉइन के अंदर है, कुवेरा के अंदर है, जिसके अंदर भी आपका है, पेटीएम मनी के अंदर है, तो आप कर सकते हैं। जीरोधा कॉइन के अंदर हम एक बार क्विकली देख लेते हैं, आपको हर जगह हर ऐप के अंदर सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, उसके अंदर आप जाके गोल्ड म्यूचुअल फंड आप सर्च कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर हम यहाँ पे गोल्ड ही लिख देते हैं तो ये देखिए हमारे पास गोल्ड म्यूचुअल फंड सारे ही आ गए हैं, निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग्स फंड, HDFC गोल्ड फंड, SBI का गोल्ड फंड, DSP का, ये दुनिया भर के आपके पास गोल्ड फंड्स आ गए हैं, इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। सो आई होप ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स का डिटेल्ड कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी बताइए, हो सकता है उनको भी कुछ कंफ्यूजन हो कि गोल्ड में हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।